गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गिरीश कुमार भाटी। बेसिक का ये वीडियो नंबर 21 और एलजेब्रा सीरीज का वीडियो नंबर 6। इसके पहले के 5 वीडियो के अंदर हमने एलजेब्रा के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एलजेब्रा के अंदर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 से 6 जो फार्मूला हैं वो फार्मूला कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन को पहचान कर कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है वो कैसे पता करना है, आइए इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे चलेंगे। तो आइए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड है a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फोर्थ फार्मूला है a प्लस एक्स इन ब्रैकेट a प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट x प्लस वाई a प्लस x इंटू वाई। एंड फार्मूला नंबर 5 है a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको सिर्फ ये फार्मूला का फॉर्मेट याद रखना है और ये फार्मूला से मैच होने वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कब कौन सा फार्मूला लगाना है वो आपको पता कर लेना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे a प्लस एम और a प्लस एन है। यहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर है वो सेम रहता है और सेकेंड का नंबर चेंज हो रहा है, तो ऐसा फार्मूला कौन सा था? फॉर्मूला नंबर 4। देखो फर्स्ट एलिमेंट सेम रह रहा है और सेकंड एलिमेंट चेंज हो रहा है, तो यहां पे फॉर्मूला 4 लगेगा। फिर a माइनस एम और a प्लस एम, देखो यहां पे दोनों एलिमेंट सेम हो रहे हैं और सिर्फ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है, तो ऐसा फॉर्मेट कौन से फॉर्मूला का है? a माइनस बी a प्लस बी, दोनों एलिमेंट सेम है सिर्फ प्लस और माइनस का ही डिफरेंस हो रहा है, तो यहां पे फॉर्मूला नंबर 5 लगेगा। फिर यहां पे 5a प्लस 2b का स्क्वायर, ये तो आपको क्लियरली देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है। देखो बिल्कुल मैच कर रहा है फॉर्मूला नंबर फर्स्ट से, ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है इसीलिए यहां पे फॉर्मूला नंबर 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देख के भी आप पता कर लोगे कि ये फॉर्मूला नंबर 2 से मैच कर रहा है, सिर्फ माइनस की साइन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर तो आपको क्लियरली दिख रहा है क्योंकि तीन तीन एलिमेंट्स हैं और तीन एलिमेंट वाला फॉर्मूला एक ही है, फॉर्मूला नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फर्स्ट एलिमेंट सेम है और बाकी के दो एलिमेंट डिफरेंट हैं। 5m दोनों में कॉमन आ रहा है, पहले ब्रैकेट में 3 और दूसरे ब्रैकेट में 4y, ये दोनों डिफरेंट है, तो पहले एलिमेंट सेम और दूसरे एलिमेंट डिफरेंट वाला फॉर्मूला नंबर 4 आप चेक करो, फॉर्मूला नंबर 4 है वो मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, तो ये फॉर्मूला नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दोनों एलिमेंट सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो ये आपको फॉर्मूला नंबर 5 से मैच हो जाएगा। बाकी तो क्वेश्चन नंबर 8 तो आप देख ही सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वही का वही फॉर्मूला है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर फॉर्मूला नंबर 2 मैच करेगा। देखो सिर्फ 4p के ऊपर स्क्वायर है मगर वो आपको पूरा b मान लेना है, तो 3p को a मान लेना है और 4p स्क्वायर को b मान लेना है, ब्रैकेट का स्क्वायर बीच में माइनस है, फॉर्मूला नंबर 2 मैच कर रहा है। और लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया हुआ है, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये देखो 3x को आप a मान लो और 4y को आप b मान लो, तो ये बिल्कुल फॉर्मूला नंबर 5 का जो आंसर है वो आप देखो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला नंबर 5 का रिवर्स, फॉर्मूला नंबर 5 का रिवर्स ये इस तरीके से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये 5 फॉर्मूले याद कर लेने हैं। अप टू क्लास 8 तक तो ये 5 फॉर्मूले आते हैं, और अगर ये 5 फॉर्मूले के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है तो आप क्वेश्चन नंबर क्लास 9 के पहले चैप्टर में जो रेशनल नंबर के क्वेश्चंस दिए हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, वो भी आप सॉल्व कर पाओगे, कोई डाउट नहीं होगा आपको। थोड़े से एक दो फॉर्मूले आपको ज़्यादा मिलेंगे, ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और कुछ और भी थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले मिलेंगे। मगर अगर आपके पास इस ये फॉर्मूले में काफ़ी अच्छी ग्रिप है, अच्छा प्रैक्टिस है आपका, तो वो फॉर्मूले आपके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। तो जस्ट फॉर्मूलों को लर्न कर लेना है, और उस फॉर्मूले के फॉर्मेट का जो क्वेश्चन है वो आपको देख लेना है, और फॉर्मूले के हिसाब से उसकी वैल्यूज रख के उसको सॉल्व करना है। तो बस आज के दिन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विथ अस, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।